आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम SBI के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं सिंपली स्टेप्स के साथ। तो उससे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग, आप देख रहे हैं सैपचैक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी मेथड के साथ भर सकते हैं, कहने का मतलब चाहे आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल या किसी से भी एंड्रॉइड हो, iOS हो, किसी भी कैटेगरी का मोबाइल आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। जनरली आपको अपने ब्राउजर में जाना होगा और ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक देना होगा SBI क्रेडिट कार्ड। आपको जनरली SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके इसको सर्च कर लेना होगा। जो सबसे पहली जो आपकी लिंक आएगी www.sbicard.com करके, इसको मिक्स कर लेगी। आप SBI के कार्ड के थ्रू ही, मतलब SBI की साइट के थ्रू ही आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी साइट के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे ये साइट ओपन होगी, साइट का इंटरफेस कुछ इस कैटेगरी का होगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, यू कैन चूज फ्रॉम द अमंग दिस 32 कार्ड्स। मतलब आप 32 कार्ड्स आपको ऑप्शन में है, आप SBI की तरफ से 32 जो कार्ड्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनको चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिनको आप यूज करके अच्छे खासे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो वह जो मेरी रिकमेंडेशन है, मैं आपसे कहूंगा SBI के सिंपली क्लिक SBI कार्ड ही करें। नॉर्मल इंसान के लिए और डेली यूज के लिए कार्ड बेटर है। अगर आपकी कुछ चॉइस हो, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड्स के 32 क्रेडिट कार्ड में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनके नाम कुछ आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, आप सामने डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मतलब के कार्ड है जिनकी ब्रांड्स के साथ SBI की पार्टनरशिप है, जो आपको सब डैशबोर्ड पे दिख रहे होंगे, चाहे वो BPCL यानी भारत पेट्रोलियम के साथ टाइप हो, या लाइफ स्टाइल ब्रांड के साथ हो, चाहे अपोलो के साथ हो, मैक्स के साथ हो, चाहे वो चेन्नई मेट्रो हो। काफी ऐसी पार्टनरशिप है जो SBI की मुंबई मेट्रो के साथ भी, तो आप ऐसी कैटेगरी के भी कार्ड ले सकते हैं। अगर आप मुंबई में हो, चेन्नई में रहे हो, मेट्रो का यूज करते हो, तो इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। इसके कार्ड आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो SBI के 32 ऐसे कार्ड जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपने चॉइस के हिसाब से। जनरली आप उसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जा सकते हो। तो हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो हमें इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो उसके फीचर्स को देखने के बाद आप साइट ओपन करोगे तो कुछ इंटरफेस इस टाइप कैटेगरी का होगा। आप जनरली यहाँ से भी अप्लाई नाउ कर सकते हो, पर हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इसी एनुअल फीस वगैरह, कुछ बेनिफिट्स के बारे में, हमें इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो इसके एनुअल फी है आपको 499 लगने वाली है। आप इस कार्ड को अप्लाई करोगे, मतलब कहने का आप अप्लाई करोगे, आपको कोई एडवांस फीस नहीं देना है 499। जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, आपके घर डिलीवर हो जाएगा, आप उसको यूज करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद, मतलब एक्टिवेट करने का जो आपके जो पहले महीने की स्टेटमेंट में है, आपको जो 499 आपको प्लस 18% GST के साथ आपको चार्ज आपको पे करना होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में। और जिसकी रिन्यूअल फी है जो पर एनुअल और रिन्यूअल साइज सेम ही है, 499 जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, जो आपको एक्टिवेट के टाइम लेना होगा, जब ज्वाइनिंग फीस कह सकते हैं इसको, और जो आपकी रिन्यूअल फीस है 499 आपको पे करना होगा जब आपका नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल हो जाएगा। तो कहने के लिए उसको मेंटेनेंस अपन कह सकते हैं 499। तो हम जानते हैं ये 499 पे करने के बाद क्या कुछ बेव वगैरह होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, प्रिविलेज वन सिंपली की SBI कार्ड, तो मतलब कुछ विशेष चीजें जो आपके लिए सिंपली के लिए ऑफर कर रहा है। जो सबसे पहला जो ऑफर है, लॉग इन गिफ्ट। अगर आप इसको लॉग इन करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेते हो, अप्लाई करने के बाद एक्टिवेट करते हो, एक्टिवेट करने के बाद आपको गेट अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा 500 का। कहने का आप 499 अगर पे कर रहे हो, आपको 500 का गिफ्ट कार्ड मिल जाता है अमेजोन का, जिससे आप अमेजोन से शॉपिंग कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, आइटम बहुत कुछ कर सकते हो उससे आप। तो 500 का आपको मिलने वाला है। तो आई थिंक कह सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग फीस है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ये कार्ड आपको फ्री पड़ने वाला है ज्वाइनिंग में। और ई शॉपिंग में भी रिवार्ड्स है, एंड आपको मतलब 10x रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलने वाले हैं ऑनलाइन स्पेंड्स पे, मतलब एक्सक्लूसिव पार्टनर्स, क्योंकि एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हुए अमेजोन हुआ, बुक माई शो हुआ, क्लियर ट्रिप है, लेंसकार्ट है, और नेटमेस है, अर्बन क्लैप है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स 10x रिवार्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स मतलब ऐसे प्रोवाइड कराता है, उसमें सीधा 10 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो जी भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हो सकता है। और 5x रिवार्ड्स भी आपको मिलने वाले हैं और अदर स्पेंड्स पे, मतलब कोई भी खर्च करो, रिचार्ज करो, बिल पेमेंट्स करो, रेंट पे करो, आई थिंक मतलब कुछ भी करो तो 5% तो आपको मिलने वाला है। मतलब 5x कह रहा है, 5% नहीं, मतलब 5 गुना तो आपको मिलने वाला है ना 5 से मल्टीप्लाई रिवार्ड, और उसमें आपको सीधे डबल हो जाएगा, आपको 10x हो जाएगा अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनर्स के साथ करोगे। और कुछ इसके जो उनके माइलस्टोन रिवार्ड्स के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है,
ई वाउचर आपको मिलेंगे 2000 का एनुअल। आपको ई वाउचर मिलने वाले हैं अगर आप एनुअली 1,00,000 स्पेंड कर लोगे। अगर आप एनुअली 1,00,000 रुपए खर्च करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 2000 रुपए का एनुअली आपको मिल जाएगा रिवार्ड, मतलब ई वाउचर मिल जाएगा अमेजोन से, जिसमें आपको 2000 का आपको मतलब रिवार्ड मिलने वाला है, जिससे कि मेंटेनेंस आपका रिन्यूअल फीस भी 499 है, और इसमें आपको मतलब 1500 रुपए 15 एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो इनका जो बेस्ट फीचर्स है 1,00,000 तो नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब जो इन्होंने लिखा हुआ है, जिस हिसाब से अगर आप 2,00,000 स्पेंड कर देते हो, 2,00,000 स्पेंड कर देते हो, टोटल आपको 2 और 2+2 4,000 रुपए की प्रॉफिट होने वाली है। तो मेरे ख्याल से काफी बेनिफिट्स और बेनिफिशियल ये क्रेडिट कार्ड होने वाला है। और एंजॉय कंप्लीट फ्यूल फ्रीडम, पेरेंट्स ने लिखा है एंजॉय कर सकते हो आप कंप्लीट फ्यूल फ्रीडम, मतलब फुल आजादी के साथ अपना फ्यूल डलाओ इस क्रेडिट कार्ड से। तो 1% फ्यूल का सरचार्ज वेवर करने वाले हैं फॉर ईच ट्रांजेक्शन बिटवीन, अगर 500 से लेके 3000 में अगर इनका होने वाला है, तो आपको 1% ये आपको सरचार्ज वेव कर देंगे। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ फ्यूल ना डलाओ, इसके कुछ अपने अलग पंगे होते हैं। और एक्सक्लूसिव आपको GST वगैरह वेवर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा और अदर चार्जेस पे, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड पे मतलब फ्यूल ना डलाओ तो ये ठीक है, क्योंकि इनके भी कुछ अलग ही पंगे होते हैं, चार्जेस वगैरह होते हैं जो आपको अगर आप अपना स्टेटमेंट चेक करोगे आपको वहाँ पे दिख सकते हैं कि आप, और मैं आपसे कहूँगा अगर ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट कार्ड से तो अपने स्टेटमेंट जरूर चेक किया करो, कोई भी मतलब आपको जो बैंक है जिस भी मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर से मतलब क्रेडिट कार्ड लिए हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं ले रहा हो। और एनुअल फी भी आपको रिवर्सल कर दी जाएगी स्पेंड करोगे। फ्रेंड्स इसमें मैं कहूँगा यार काफी बेनिफिट होने वाले हैं। जब हम आपको एनुअल फीस की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, एनुअल फीस भी हमें रिफंड की जा रही है, प्लस हमें स्पेंड करने पे भी पैसा दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो काफी बेटर है, आप स्पेंड कर लोगे फ्रेंड्स 1,00,000 रुपए, मतलब 1,00,000 आप स्पेंड कर लोगे एनुअल, को आपको 499 पे नहीं करना होगा फ्रेंड्स, हमको 499 में पे नहीं करना। और स्पेंड इतना मतलब खर्च करने पे भी हमें कितना मिल रहा है, 2000 का वाउचर मिलने वाला है और 2,00,000 कर लेके 4,000 फ्रेंड्स, काफी प्रॉफिटेबल एक क्रेडिट कार्ड होने वाला है शायद ही। मैं इसलिए मैं आपसे पहले मैं रिकमेंड कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स भी मैं रिकमेंड कर रहे थे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, यूट्यूब पर भी काफी वीडियो है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसलिए फ्रेंड्स लिए सुनो इस क्रेडिट कार्ड को ज्यादा मतलब फीचर्स के साथ बताया जा रहा है, क्योंकि काफी प्रॉफिटेबल एक क्रेडिट कार्ड लोगों के लिए होने वाला है। और सर कॉन्टेक्टलेस टेक्नोलॉजी भी है जो वाईफाई के लिए, तो कॉन्टेक्टलेस अपन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपको टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। और कुछ इसके फीचर्स एंड फीस एंड चार्जेस के बारे में देख लेते हैं, जिसके फीचर्स है कॉन्टेक्टलेस का आपका एडवांटेज मिलने वाला है, वर्ल्ड वाइज इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं स्विप करके कैश निकाल के जैसे आप चाहें, क्योंकि एड ऑन फीस वगैरह सब मिल है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनका कितना हाई है, कभी जितना इंटरेस्ट आपको इतना मनी अपडेट वगैरह में देते हैं क्या नहीं देते, जब आप वसूल करते हैं तो 40.2% वसूल करते हैं, मतलब बहुत होता है 40%। तो मैं आपसे कहूँगा कि इनका टाइम लिया बिल पेमेंट करें, वरना 40% आपकी लाइफ में बहुत भारी पड़ सकता है। अदर चार्जेस में अगर आप चेक भी अगर आप मतलब इसका जो बिल पेमेंट है अगर चेक से भरते हो तो 100 रुपए का वो पेनल्टी कर लग जाएगी, अगर स्टेटमेंट पे करते हो तो 100 रुपए आपको उसका लग सकता है। ओवर लिमिट अगर 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट टू सब्जेक्ट टू द मिनिमम तो 500 लग सकता है। तो फ्रेंड ओवर लिमिट में आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, ओवर लिमिट फ्रेंड्स उस कैटेगरी में होती है जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिटेड बैंक जो आपको एक फिक्स करके देती है मिनिमम, जिससे कि बैंक ने आपको 1,00,000 रुपए की मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, चलो मैं इससे कम लेके चलता हूँ। जनरली जब कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड अगर किसी का मतलब फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड करती भी है, अगर वो जॉब करता है जॉब के हिसाब से तो मतलब उसके हिसाब से वो दे सकती है किसी को 1,00,000 2,00,000 भी दे सकती है, जैसे जॉब डिपेंडेंसी कितना वो पे कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ 50,000 रुपये 15,000 की अगर लिमिट है, और आपने एक लैपटॉप खरीदा मैकबुक एयर, पर मैकबुक एयर कितने का है 62,000 जब आपकी लिमिट है 50,000 की आपने कर लिया, तो वो ऐसे कैटेगरी के ट्रांजेक्शन माने जाते हैं ओवर लिमिट में, आपको लिमिट से ज़्यादा कहने का पेड तो जब होना चाहिए ना हो जाएगा कहने का मतलब, तो आपको 2.5% का चार्जेस लग सकता है। और जी उस कैटेगरी में भी मैं इसको कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 50,000 की लिमिट है, आपने फ़ोन खरीद लिया कुछ खरीद लिया, आपकी लिमिट बची 30,000, आपने यार ट्रांजेक्शन कर दिया 42,000 50,000 का, आपने से मेरी पूरी है, तो उस कैटेगरी में भी आपको 2.5% लग सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका कार्ड खोता है कहीं टूटता है कुछ भी होता है, अगर आप रिप्लेसमेंट लेते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। अगर फ्रेंड्स आप इमरजेंसी कार्ड मतलब कह रहे हैं मतलब अगर इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट फ्रेंड 170 डॉलर काफ़ी हो गया, इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट अगर फ्रेंड्स आपका आप एब्रॉड में हो कहीं देश से बाहर हो और आपका कार्ड खो जाता है कहीं,
और आपको इमरजेंसी कार्ड का रिप्लेसमेंट लेना है अब्रॉड में, तो एक्चुअल जो कॉस्ट होगी फिर मिनिमम, कम से कम बोला है ना, मिनिमम ऑफ मतलब मिनिमम नॉट फॉर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम होगी हो सकती है $175, और $175 को आप करंट के टाइम से या जब आप यूज़ करना चाहे जो लोग स्टॉन कर सकते हैं तो उसको मल्टीप्लाई डॉलर से कर सकते हो। फॉरेन करेंसी को अगर ट्रांजेक्शन कर तो कन्वर्सन चार्ज है 3.5% है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अब्रॉड में कहीं घूमने गए हो, एनुइटीज भी काम से रहो, और आप एस बी आई की क्रेडिट कार्ड से जो आप कैश निकालते हो या पेमेंट भी करते हो, जो स्विफ्ट से पेमेंट भी करते हो, तो जो आपका जो कार्ड है वो तो रुपये करेंसी में है, पर आप डॉलर में ट्रांजेक्शन करते हो, आप यूरो में ट्रांजेक्शन करते हो, आप पाउंड में, मतलब एनी किसी भी हिस्ट्री मतलब कंट्री के हिसाब से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, तो जो आपको उसके हिसाब से लग सकता है 3.5% आपको देना होगा पर ट्रांजेक्शन। अगर 10,000 का आपने ट्रांजेक्शन किया, कहने के अलावा आपने वहाँ पर डॉलर लिया, आपको बोले रुपीज उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो उसमें आपको 3.5% आपको पे करना पड़ सकता है, इतना भी आपको मतलब कटने वाला है। कैश पेमेंट फीस को मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करनी है, आप काउंटर पर जाते हो, बिजली पर जाते हो, और एक बैंक एम्प्लॉय को डिस्टर्ब करते हो, उससे कहते हो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है मुझे, ले लो पैसे, तो आपको तो सब उसको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है यहाँ पे। आप ऑनलाइन करें, नेट बैंकिंग का यूज करें, डिजिटल बनो। अगर हम इसमें सरचार्ज के बारे में बात करें तो रेलवे टिकट्स के थ्रू आउट द रेलवे काउंटर्स में आपको 30 रुपए तो आपको फ्लैट लगने वाले हैं, प्लस 2.5% ट्रांजेक्शन अमाउंट लगने वाला है। अगर आप रेलवे के टिकट काउंटर पे आप टिकट बुक कराते हो, ऐसे एक कार्ड उसे देते हो अंदर, तो उसमें आपको 30 रुपये तो फ्लैट लगेगा, और फ्लैट ट्रांजेक्शन का जितने भी महंगी भी आपको टिकट होंगी, अगर आपको 4,000 का टिकट है, 1500 का टिकट है, तो 2.5% आपको एक्स्ट्रा देना हुआ अमाउंट का, और 30 जो फ्लैट है। तो फिर उनके कुछ जैसे फीचर्स के बारे में हुआ जो जानना आपको चाहिए, तो मैंने इन फीचर्स के बारे में आपको बता दिया। जनरली देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, तो मैं जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे वेरीफाई आपको OTP कर देना है, जो आपका जो OTP हो, जो आपका OTP होगा वो आपके मैसेज में आ जाएगा, आपने जो नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा, तो मुझे मेरी OTP आ चुका है, मैं आपको OTP डाल दूंगा। OTP डालने में उसको वेरीफाई कर लेंगे, OTP वेरीफाई हो गया है तो आई ऑथराइज कर लेंगे, इसको अप्लाई नाउ कर देंगे, डिटेल वेरीफाई करने के बाद उसको अप्लाई नाउ कर सकते हैं आप। यहाँ पे खुला है ई अप्लाई SBI कार्ड, तो कुछ इस कैटेगरी का जो पेज खुल जाएगा, तो पेज खुलने के बाद कुछ फीचर्स है जो उसको पहले हम जान चुके हैं, तो जनरली पेज आपको इसको मैं नेवर कर देता हूँ। जो मैंने नेम हुआ, मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम भर सकता हूँ, मैं अपना लास्ट नेम, अगर आपको मिडिल नेम भी हो, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कामता लाल प्रसाद वगैरह, जैसे कि मेरा तो पीछे कुछ नेम नहीं है तो आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके देता हूँ, मेरी करंट सिटी ये लेता है या नहीं लेता है आपको नहीं लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले ली उसने रेसिडेंट सिटी मेरी झांसी है, मैं झांसी में रहता हूँ। हाँ फ्रेंड, जो मेरी सिटी है वहाँ पे सिलेक्ट नहीं ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी यहाँ पे नहीं ले रहा है, जैसे कि बैंक जो क्रेडिट कार्ड है लोगों के पास, तो किसी बग के चक्कर में मेरी सिटी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है, तो मैं यहाँ पर कानपुर डाल के मैं आपको बता देता हूँ। जनरली नैश का डुमेला आपको फीचर्स आपको आने वाले हैं, जनरली आप तो आपको जो जो नया वो पेज खुलेगा यहाँ पे, जैसे कि हमने बोला अबाउट बारे में डाल दिया, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको पता ही, आपको पूछा था बोला डू यू ऑलरेडी हैव एन SBI क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं नो कर सकते हैं आप इसको। आपको पर्सनल डिटेल्स अपन ने फिल कर दी, आपको प्रोफेशनल डिटेल भरनी है, आपको बोला एक्यूपेशन आप क्या करते हो अभी, जैसे कि मैं तो अभी फ्रेंड्स स्टूडेंट हूँ, आप जो भी आपने भर सकते हो, और अपने कंपनी का नेम कर सकते हो, जो ऑप्शन है अगर आप कहीं जॉब वॉब करते हो, अगर मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो ऑप्शनल हो गया मेरे साथ, ग्रेजुएशन वगैरह में ऑप्शन हो गए, अगर मैं जैसे मैं सैलरीड वगैरह भरता तो मेरे लिए मैंडेटरी कर दी जाती कंपनी नेम हुआ, ग्रेजुएशन हुआ मैं किस पोस्ट पे हो, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड में इसको सिलेक्ट करता तो मुझे कंपनी नेम तो पता नहीं पड़ता, और ग्रेजुएशन से तो ऑप्शन हो सकती थी एनुअल इनकम वगैरह, तो मैं इसको स्टूडेंट ही करता हूँ, वैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट ही करता हूँ। और मैं आपको और यहाँ पे आपको ऑफिस पिन कोड वगैरह भरने हैं, आप एनुअल इनकम सब ऑप्शन हो गई, मैंने स्टूडेंट भर दिया है तो सब ऑप्शनल है मेरे साथ, मैं पैन कार्ड नंबर मैं चाहूँ प्रोवाइड कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा अपनी, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप उसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने का आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप आने वाला है, तो आपको करंट रेसिडेंटल एड्रेस के बारे में जो आपकी बेटी आपकी आधार कार्ड की डिटेल वगैरह पूछ सकते हैं, आपको आप भर सकते हो, और जहाँ पे आप करंट में अभी रह रहे हो अपना एड्रेस भर सकते हो। एड्रेस भरने के बाद जनरली आप उसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा, जो ऐसे है कि जो सर्विस एजेंट वगैरह है वो कॉल कर लेंगे, और कॉल करने के बाद वो कॉन्टेक्ट करके
आप क्रेडिट कार्ड को अप्रूवल कर सकते हैं अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके हिसाब से अगर पूरा है पहले स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है तो पहले स्टूडेंट को ऑप्शन को अप्लाई मतलब अप्रूवल दे सकते हैं। और मिनिमम हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को शुरुआत में 20,000 से लेकर 25,000 की लिमिट दे सकते हैं, हिसाब से वो स्टार्टिंग कर सकते हैं स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड देकर। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं सिंपली स्टेप के साथ, और एसबीआई के क्रेडिट के सिंपली के लिए एसबीआई कार्ड कितने हमें प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं वो स्टूडेंट को इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।